नमस्कार, मैं हूँ यश। आप देख रहे हैं दिव्य भारत न्यूज। रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर पर। पुनरासर हनुमान जी मेला शुरू होकर बीकानेर से पैदल यात्री जाते हुए जोश और उमंग के साथ और जगह जगह सेवा लगी हुई है, जहां पर चाय नाश्ता, भंडारा और महिला बच्चे भी पैदल जा रहे हैं। प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, जहाँ सेवा लगती है वहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है। वहाँ बीकानेर से गुआईसर गांव वन वे कर रखा हुआ है, काफ़ी जनता बाइक गाड़ी से भी जाते हैं। 60 किलोमीटर दूर है, जहाँ पूरा बीकानेर खाली हो जाता है। दो दिन बाद बाबा पुनरासर दर्शन करने के लिए जाते हैं और पुनरासर में भी अच्छी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। आप देख रहे हो पूनासर बीकानेर से पूनासर पैदल जो जा रहे हैं, वो जगह जगह सेवा लगी हुई है। आप देख रहे हो यहाँ पे सीड उपासमंडल की तरफ से सेवा लगी है। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। जैसा कि आपने हमारे मंदिर का नाम ही देखा, एक मारवाड़ी माइड भाषा के शब्द है पचीपार्टन। इसी चीज को तलीनता से करते हैं, आत्मा से करते हैं, दोस्त दुरुस्त के साथ करते हैं, सफल होते हैं तो उसको कहते हैं पचीपार्टन। तो हमारा उद्देश्य इस पुनरासर मार्ग में लगे जाने वाले हनुमान श्री राम की सेवा करना, जो 15 सालों से करते आ रहे हैं। और हमारी संस्था में एक युवा साथी हमारे लगभग 70 से 80 सदस्य हैं, जो हमारे 15 से 25 साल की उम्र के हैं। तो हम पिछले 15 साल से लगातार सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर भोजन की व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, अल्पाहार नाश्ता जो हम लगातार दो दिन यहाँ पर इस रास्ते देते हैं आने जाने सभी भक्तों को, वही हमारे सेवा का उद्देश्य है। अब मैंने देखा है कि रात को ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बाइक मोटरसाइकिल बाहर रोड तक खड़ी रहती है, इसमें प्रशासन की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? प्रशासन की पूरी व्यवस्था है, प्रशासन का पूरा सहयोग है हमारे लिए। लेकिन अब कुछ कंडीशन ऐसी कि जो चौराहा है वहाँ पे कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ पे डिवाइडेशन के लिए चक्कर नहीं, जैसे जो गाड़ी जो चलते हैं, जो छोटे निजी वाहन चलते हैं, इस मेले में आने जाते हैं, तो वो बेहतर दिन यहाँ से खड़े हो जाते हैं। उस वजह से अब इस तक थोड़ा बहुत जाम की स्थिति बन जाती है, लेकिन प्रशासन फिर भी सक्रिय रहता है। सेना के प्रशासन के जवान, पुलिस के जवान यहाँ निरंतर गश्त करते रहते हैं। आपकी तरफ से कोई सिक्योरिटी गार्ड या कोई दो तीन बंदे आपको सेवा के जो व्यवस्था बनाने में हमारी सहयोग कर रहे हैं? हमारी सेवा समिति इस मंडल की एक समिति बनी हुई है जो यातायात व्यवस्था से संभालती है। तो हमारे मंडल के कम से कम 8 सदस्य ऐसे तो हमने नियुक्त कर रखे हैं, जो उस पंडाल से उस जगह से लेकर इस जगह तक, और शाम 4 सामने 4 इधर से पूरी व्यवस्था को सुचारू चलाने की पूरी भरकस प्रयास करते हैं। प्रशासन का सहयोग लेते भी और प्रशासन का सहयोग करते भी। क्या नाम आपका? दिनेश कुमार आचार्य।